एक सनकी कातिल ने कोहरा मचा दिया। हैवानियत भरी इस वारदात को जिसने भी देखा सुना उसकी रूह कांप गई। हर कोई इस बात पर हैरान कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। हर कोई यही सोच रहा है देखिए करेली के कसाई ने कैसी हैवानियत की है। करेली के गौस नगर इलाके का ये घर कुल्हाड़ी वाले कातिल की हैवानियत का गवाह है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे गौस नगर के इस घर में विवाद हुआ था। झगड़े जैसे हालात बने तो टीवी पर चल रही कव्वाली की आवाज बढ़ा दी गई। आस पड़ोस के लोगों ने समझा मामूली घरेलू झगड़ा है, कुछ देर बाद निपट जाएगा। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि कुल्हाड़ी हाथों में उठाए एक सनके कातिल इस घर में घूम रहा है। इस सनकी ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने ही घर वालों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। घर में मौजूद माँ बहन पर हमला कर दिया। जितनी बार मारता उतनी बार अल्लाहु अकबर का नारा लगाता। 5 मिनट के अंदर पूरा घर खून से लाल हो चुका था। बेदम हो चुकी माँ बहन जमीन पर पड़ी थी। बाप बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। भाई किसी तरह बीवी और बच्चों को लेकर भागा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। आरिफ की भाभी का कहना है कि जब तक हम कुछ समझ पाते बाहर बहुत तेज कव्वाली बजने लगी। हमने दरवाजों के बीच की दरार से देखा तो माँ नीचे पड़ी थी, जिस्म से खून बह रहा था। आरिफ ने कुल्हाड़ी उठाई और उनके सर पर मार दिया। माँ की मौके पर ही मौत हो गई। आवाज सुनकर पिता बाहर आए तो आरिफ ने उन पर भी हमला कर दिया। पिता जैसे तैसे उठे और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। उधर आरिफ किचन में काम कर रही बहन के पास गया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी देख बहन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन आरिफ के सिर पर खून सवार था, उसने कुल्हाड़ी उठाई, जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और बहन की गर्दन पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि बहन की मौके पर ही मौत हो गई। माँ और बहन की हत्या और पिता को गंभीर रूप से घायल करने आरिफ अपने भाई आजम के कमरे की तरफ भागा। आरिफ अंदर नहीं जा पाया तो झल्लाकर कमरे में पड़ी एसिड की बोतल ले आया। उसने घर के सामान पर एसिड डालना शुरू कर दिया। किचन से 15 किलो वाला सिलेंडर खींच लाया, उस पर एसिड डाला और आग लगा। इस बीच बाहर खड़े लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पहले 5-6 पुलिस वाले आए, जब उन्होंने देखा कि मामला बहुत गंभीर है तो 3 थानों के पुलिस वाले वहां पहुंच गए। पुलिस को देखकर आरिफ का खून खौल गया, उसने एसिड की बोतल उठाई और पुलिस वालों पर फेंकनी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक ये सब चलता रहा। आरिफ हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ऊपर बालकनी में घूम रहा था। उसे न पुलिस का खौफ था और न ही उनकी गोलियों का डर। आरिफ और पुलिस के बीच 2 घंटे तक रस्साकसी चली। आखिर में आंसू गैस से आरिफ की आंखें जलने लगी। मौका देखकर पुलिस घर के अंदर घुस गई और आरिफ को पीछे से दबोच लिया। आरिफ की भाभी का कहना है कि प्रॉपर्टी के सनक उसके सिर पर सवार हो गई थी। उसे लगा कि सबको खत्म करके वो पूरा घर अपने नाम करवा लेगा, इसलिए उसने सबको मारने की साजिश रची। आरिफ की भाभी का कहना है कि इस डबल मर्डर की असली मास्टरमाइंड आरिफ की बीवी नौशीन है। उसने आरिफ के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।